हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी बहुत रात को व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। आज 15 दिसंबर हो गए, ये साल ख़त्म होने वाला है। इतना जल्दी कैसे? बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसा मैंने इसी साल में खर्च किया है और सबसे ज़्यादा मैंने पैसा बचाने की तरकीबें इसी साल में सीखी हैं। तो मैं सोच रहा था कि आप लोग को भी बता दूँ कि कौन से तरीके होते हैं जो आप पैसा बचा सकते हो और 2022 में आप एक अच्छा फाइनेंशियली सपोर्ट सिस्टम बना सकते हो अपने लिए, तो कुछ फाइनेंस का ज्ञान हो जाए। मैं कोई फाइनेंसियर नहीं हूँ बट सुनोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं सेल्फ एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे सिंपल सी बात है कि हम एक टीनेजर हैं, टीनेजर के लिए फाइनेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि इसी उम्र में आपको लगता है कि आप सारी चीज़ें खरीद लो, कर लो दुनिया मुट्ठी में। बट ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को भी समझना चाहिए एंड कब तक घर से पैसे मांगोगे, तो छोटे मोटे काम करने का शुरू करो। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि अर्निंग किस तरीके से करना है एंड कल के ब्लॉग में आई थिंक मैं बता दूँ कि उसको बचाना कैसे। ठंडी में चाय ज़रूरी है। तो सबसे पहले अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन ऐप्स जिसको आप खेल के लूडो सूडो खेल के आप बना सकते हो, उसका लिंक एक का नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा जो मेरे लिए ट्रस्टेड है। इस साल मैंने बहुत सारे मतलब हर साल मैं बहुत सारे एप्लीकेशन ट्राई करता हूँ पर उसकी लाइफ बहुत कम होती है, बट ये जो एप्लीकेशन है इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक ट्रस्टेड कंपनी ने इसको बनाया है एंड हाइक प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके कर लेना। एंड यहाँ पर मेरा पैसा कितना मैंने कमाया है वो आ रहा होगा, तो कर लो। आज पे मैंने एक डेडिकेटेड व्लॉग भी बनाया था, उसको भी देख लेना। दूसरा तरीका जो आप पैसे कमा सकते हैं टीनेजर लाइफ, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके। एक रूल जान लो पैसा के लिए जो है 80-20 रूल। अगर आपको 100 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें से 80 रुपये आप खर्च करो, बस 20 रुपये आप बचाओ। तो ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब आप एक टीनेजर हो, जिससे कि आपके पैसे बचे रहे। तो इस रूल को यूज़ करो और जब भी आपको 100 रुपये मिले तो 80 रुपये ही खर्च करो और 20 रुपये को अपनी इन्वेस्टमेंट में डालो। वो गोल्ड हो सकता है, क्रिप्टो हो सकता है, या ETF हो सकते हैं, या शेयर होल्डिंग हो सकती है, कुछ भी कर सकते हो। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि गोल्ड एक ट्रस्टेड चीज़ है। अब तो 1 रुपये तक का भी गोल्ड आप ले सकते हो। मैं कोई ऐप रिकमेंड नहीं करूँगा पर मैं पेटीएम पे इन्वेस्ट करता हूँ गोल्ड में। हर वीक मैं कुछ रुपए उसमें डालता हूँ एंड अभी तो मेरा 1000 से नीचे है गोल्ड, बट मैं जल्दी सोच रहा हूँ कि 1000 ज़्यादा कर लूँ। तो इस पर मैंने और भी फाइनेंस वीडियोस बनाई हैं, बट सेल्फ फाइनेंस बहुत ही ज़रूरी पार्ट है एक टीनेजर की लाइफ में, या आप एक वेल फंक्शन या वेल कमाते हुए इंसान हो तो। बट ध्यान दो इन सारी चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें थी, 80-20 रूल सीख लो एंड थोड़े पैसे बचाओ अभी की लाइफ में, क्योंकि यही टाइम है आप जब पैसे बचा सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में सिवा को खर्च करने का टाइम रहेगा, बचाने का टाइम नहीं रहेगा उतना ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैबिट्स डालो जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड अभी अगर आप ऐसे हो जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है पर पैन कार्ड नहीं है, आप माइनर हो, तो आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हो। और जब भी आप एडल्ट होते हो, 18+ से होते हो, सबसे पहले अपना पैन कार्ड बनवाओ, क्योंकि पैन कार्ड इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड फाइनेंशली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्लॉग को यहीं करते हैं, व्लॉग अच्छा लगा लाइक करें, जब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मिलता हूँ व्लॉग में। ये फैन सेल्फ फाइनेंस का पता नहीं कौन सा पार्ट था, मैं एक प्ले लिस्ट सोच रहा हूँ बना दूँ सेल्फ फाइनेंस को लेके, जो मैंने अभी तक मतलब जितनी भी वीडियोज अभी तक मैंने बनाई हैं, तो एक प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो उस प्ले लिस्ट को चेक कर लेना। एंड दूसरी बात, मैं कल बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन कौन से तरीके हैं सेफ तरीके हैं, कौन से रिस्की तरीके हैं, तो उनको कल का ब्लॉग जो देखना। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में यानी कल।